हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि गाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। तो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के इस वीडियो पर क्लिक किया होगा, बट गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको क्रोम ब्राउज़र के कुछ ऐसे एक्सटेंशन बताएंगे जिसको आप अपने नेटफ्लिक्स में यूज़ कर सकते हो और अपने नेटफ्लिक्स एंड चिल को और भी ज़्यादा चिल कर सकते हो। अगर गाइस आप लोग एक नेटफ्लिक्स यूज़र हो तो आप लोगों को तो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप लोग एक नेटफ्लिक्स यूज़र नहीं हो तो भी देख लो यार, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी बात है, आपको फ्यूचर में कभी काम आ सकता है। तो गाइस, हम नेटफ्लिक्स के ऐसे शॉर्टकट्स लेके आए हैं जिसको देखते ही आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। तो गाइस, हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच भी नहीं, हमारे पास ऐसे पूरे 6 शॉर्टकट है। तो गाइस, मैंने बहुत मेहनत से 6 ऐसे एक्सटेंशन ढूंढे हैं जिसकी वजह से आप अपने नेटफ्लिक्स को और भी ज़्यादा इजीली और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हो। तो गाइस, हमारे पास नेटफ्लिक्स के 6 ऐसे एक्सटेंशन हैं जिसको देखने के बाद आप लोगों का दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके ही जाओगे। तो गाइस, चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे पास 6 कौन कौन से एक्सटेंशन हैं जिसको आप अपने नेटफ्लिक्स में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते, सबसे पहले हम अपने पहले एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो गाइस, हमारे पास जो पहला एक्सटेंशन है उसका नाम है ट्रिम। तो हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, यही है हमारा पहला एक्सटेंशन। तो गाइस, चलिए मैं आपको इसके यूजेस बताता हूँ कि ये आपको किस काम में आ सकता है। तो गाइस देखिए, तो बेसिकली इसका काम ये होता है, उससे पहले गाइस आप लोग नेटफ्लिक्स क्यों देखते हो? क्योंकि गाइस आप लोग बोर हो रहे होते हो, इसलिए आप सोचते हो थोड़ा नेटफ्लिक्स पे चिल कर ले। तो गाइस इसलिए आप नेटफ्लिक्स देखते हो। तो गाइस आप लोग चाहते होगे कि नेटफ्लिक्स पे मैं कोई अच्छी सीरीज देखूँ या कोई अच्छी मूवी देखूँ। तो गाइस ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी वेब सीरीज़ ज़्यादा अच्छी है, हमें कौन सी देखनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए बढ़िया रहेगी? क्योंकि गाइस आप लोगों ने उसे पहले तो कभी देखा नहीं होता, तो गाइस आप लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसी वेब सीरीज़ है, अच्छी है भी कि नहीं है, क्या पता इसको देखने से हमारा कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो गाइस, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो लोग नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रहे होते हैं और सीरीज़ ख़त्म करने के बाद बोलते हैं कि भाई मुझे मज़ा नहीं आया, सीरीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो गाइस ऐसा केस आपके साथ भी हो सकता है। तो गाइस इसलिए हम लेके आए अपना पहला एक्सटेंशन जिसका नाम है ट्रिम। तो गाइस इसमें होता ये है कि जब आप लोग अपने एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद जब अपने नेटफ्लिक्स को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको IMDb की रेटिंग दिखाई देगी। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन सब की IMDb की रेटिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो गाइस आप इस रेटिंग से पता लगा सकते हो कि हमको कौन सी वेब सीरीज देखनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि गाइस जिसकी हाई रेटिंग होगी मतलब वो वेब सीरीज़ ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस आप लोग हाई रेटिंग वाली वेब सीरीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो गाइस बिना अपने टाइम को वेस्ट करे हुए देखिए टॉप मूवीज वेब सीरीज IMDb की रेटिंग के साथ। तो गाइस यही था हमारा पहला एक्सटेंशन। तो चलिए गाइस, अब हम आपसे बात करते हैं अपने दूसरे एक्सटेंशन की। तो गाइस हमारी दूसरा एक्सटेंशन है उसका नाम है ऑटो स्किप। तो गाइस ये जो ऑटो स्किप है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो गाइस इसमें होता है ऐसा है कुछ, जैसे आप लोग अपनी कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो तो गाइस उससे पहले आपको इंट्रो देखने को मिलता होगा जो कि गाइस काफ़ी बोरिंग होता है, ठीक है ना, उसमें सारे आपको क्रेडिट देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये काफ़ी बोरिंग पार्ट होता है और गाइस आप लोग नेटफ्लिक्स में इसको स्किप नहीं कर सकते। तो गाइस ऑटो स्किप से ये होगा, जब आप लोग इस एक्सटेंशन को अपने टीवी में डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आप लोग आराम से अपने इंट्रो को स्किप कर सकते हो। देखिए मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई वेब सीरीज़ है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्किप इंट्रो का ऑप्शन आ चुका है। तो गाइस आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपने इंट्रो को स्किप कर सकते हो। तो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा कमाल का है, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं अपने तीसरे एक्सटेंशन की। तो गाइस हमारा जो तीसरा एक्सटेंशन है उसका नाम है नेटफ्लिक्स व्यू स्टैट्स। तो गाइस इस एक्सटेंशन में होता कुछ ऐसा है, तो गाइस आप लोग देखिए हमारे स्क्रीन पे। तो गाइस आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स के सारे स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे कि आपने कौन से दिन कौन सी वेब सीरीज देखी कितने घंटे के लिए। तो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा कमाल का एक्सटेंशन है, आप लोग यहाँ से अपने सारे स्टैट्स देख सकते हो। तो गाइस आप लोग अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि गाइस अब जो हमारा एक्सटेंशन आ रहा है चौथा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गाइस ये मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। क्योंकि गाइस इस एक्सटेंशन में कुछ होता ऐसा है कि जब आप लोग अपने नेटफ्लिक्स पे कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो तो गाइस आप लोग उसे अकेले ही देखते हो, आपके साथ कोई दूसरा बैठ के नहीं देखता। मतलब गाइस देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सोचो आप लोग यहाँ इंडिया में बैठे हो और कोई आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ या अपने किसी विलेज में आप किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठ के देखना चाहते हो आपके ही फ़ोन में। तो गाइस ये जो हमारा चौथा एक्सटेंशन है जिसका नाम स्किनर है, तो गाइस इसके अंदर आप वीडियो चैट पर अपनी कोई भी वेब सीरीज़ देख सकते हो। तो गाइस जैसे मान लो आपने कोई वेब सीरीज चालू कर दी, ठीक है, तो गाइस आप लोग फिर उस स्क्रीन पे आपको वीडियो चैट ओपन हो जाएगी और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के उसी वेब सीरीज को वॉच कर सकते हो। गाइस ये कुछ मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्टेट में हो और आपका फ्रेंड कौन से स्टेट में है, आप किसी भी स्टेट में घर बैठे बैठे अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी वेब सीरीज वॉच कर सकते हो। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का एक्सटेंशन है, आपको गाइस ये यूज़ पक्का करना ही चाहिए। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ एक्सटेंशन पे। तो गाइस हमारा जो फिफ्थ एक्सटेंशन है उसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग विद नेटफ्लिक्स।
तो गाइस ये जो लैंग्वेज लर्निंग है इसमें होता कुछ ऐसा है कि गाइस आप लोग किसी भी वेब सीरीज का नीचे सबटाइटल आपको देखने को मिलेगा और आप लोग जिस लैंग्वेज चाहते हो उस लैंग्वेज में। तो गाइस इस एक्सटेंशन में होता कुछ ऐसा है कि आप लोग कोई सी भी वेब सीरीज देख रहे हो तो गाइस आपको उसके नीचे उसकी लर्निंग देखने को मिलेगी, यानी उसके सबटाइटल आपको नीचे देखने को मिलेंगे आप जिस लैंग्वेज में चाहते हो उस लैंग्वेज में। तो गाइस देखिए, तो गाइस काफ़ी सारी वेब सीरीज ऐसी होती है जिसके नीचे सबटाइटल नहीं होते, तो गाइस आप लोगों को समझ नहीं आता कि उसके अंदर क्या बोला गया है। तो गाइस ये लैंग्वेज लर्निंग है, इसके अंदर आप किसी भी वेब सीरीज का कोई भी नीचे सबटाइटल पढ़ सकते हो, उसके नीचे आपके सबटाइटल शो होता रहेगा। तो गाइस अब आप लोग कोई सी भी वेब सीरीज देख लो, आपको उसके नीचे सबटाइटल देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग की वजह से। तो गाइस ये भी बहुत कमाल का एक्सटेंशन है। तो गाइस अब जो हमारे 6th एक्सटेंशन है उसका नाम है सफल फ्लिक्स। तो गाइस सफल फ्लिक्स में होता ये है कि गाइस देखिए, जैसे आप लोगों ने कोई वेब सीरीज देख रहे हो, ठीक है, तो गाइस जब आप लोग वेब सीरीज देखते हो और आपको कहीं जाना पड़ जाएगा उसी समय, तो गाइस आप लोग अपने वेब सीरीज को बंद करके चले जाते हो, फिर आप लोग सोचते हो कि उसको कहाँ से कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो गाइस इस एक्सटेंशन में होता ये है कि जब आप लोग अपने किसी वेब सीरीज को आधे पे छोड़ के कहीं जाते हो और जब आप लोग उसको रीओपन करते हो तो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग से देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस सफल फ्लिक्स में ये होता है कि जहाँ से आपने अपनी वेब सीरीज छोड़ी है आपको वहीं से कंटिन्यू देखने को मिलेगा और आपको नीचे वही सारे डाउनलोड के सजेशन देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसे भी ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये थे हमारे 6th एक्सटेंशन जो कि आपको अपने टीवी में नेटफ्लिक्स में यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा कमाल के एक्सटेंशन थे। अगर गाइस आप लोग चाहते हो कि ऐसे और एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको बताऊं, तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि आपको एक्सटेंशन कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो गाइस मैं इन सब के लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर गाइस डिस्क्रिप्शन में पॉसिबल नहीं हो पाया तो गाइस आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, मैं आपको वहाँ पर 6 के 6 एक्सटेंशन के लिंक दे दूंगा। तो गाइस आप लोग इजीली इसे अपने टीवी में यूज़ कर पाओगे। तो गाइस ये सिर्फ एंड्रॉइड टीवी यूजर्स के लिए है, तो गाइस वो 6 लिंक आपको अपने टीवी में सेंड करने पड़ेंगे और आपको ये सारे एक्सटेंशन अपने टीवी में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो गाइस तभी आप लोग ये सारे 6 के 6 एक्सटेंशन को यूज़ कर पाओगे। तो आई होप गाइस आपको अपने टीवी में फाइल भेजनी आती हो, तो गाइस जितने भी लिंक है आप लोग अपने टीवी में सेंड करिए और वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिए और गाइस ये सारे एक्सटेंशन अपने आप चालू हो जाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग लिंक चाहते हो तो गाइस आप लोग हमारे टेलीग्राम पे आ जाना, आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। तो चलिए गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं। Yeah.